गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अनिल के शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओरेकल टेक इंडिया। और आज हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे यूनिक्स या लाइनक्स में कैल कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो कैल कमांड का जो फर्स्ट यूज है वो है टू सी द कैलेंडर ऑफ करेंट मंथ। करंट मंथ के कैलेंडर को देखने के लिए हम कैल कमांड को यूज़ करते हैं। तो करंट मंथ क्या है हमारा? करंट मंथ जो है ये अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर का महीना है। तो अक्टूबर के महीने का यानी कि करंट मंथ का कैलेंडर देखने के लिए सिंपली हम कैल कमांड को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो है यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा कर के कैल टाइप करनी है और इसके बाद एंटर को प्रेस करना है। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो ये हमारा यूनिक्स या फिर लाइनक्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम कैल कमांड को एग्जीक्यूट करके जो है करंट मंथ के कैलेंडर को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, कैल टाइप करना है और इसके बाद एंटर प्रेस करनी है। तो अक्टूबर का महीना जो है ये करंट मंथ है, तो इसने क्या किया, करंट मंथ का कैलेंडर शो कर दिया। तो अब जो है इसको क्लियर कमांड से क्लियर कर लेते हैं। तो सिंपली हमें टाइप करना है CLEAR क्लियर और एंटर प्रेस करनी है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये था कैल कमांड का फर्स्ट यूज। अब देखते हैं कि कैल कमांड का सेकेंड यूज क्या है। तो कैल कमांड का जो सेकेंड यूज है वो है टू सी द कैलेंडर ऑफ स्पेसिफिक मंथ ऑफ द ईयर। तो किसी भी ईयर के स्पेसिफिक मंथ का अगर हमें कैलेंडर देखना है तो इसके लिए भी हम कैल कमांड को यूज करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के कैल कमांड को टाइप करना है और जिस भी स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर देखना है उस स्पेसिफिक मंथ को यहाँ पे टाइप करना है। 1 to 12 जो है ये सारे मंथ्स की काउंटिंग होती है। 1 में आपका जनवरी आता है, 2 में फरवरी, 3 में मार्च, 4 में अप्रैल, 5 में मई, इस तरीके से। तो जिस भी स्पेसिफिक मंथ का कैलेंडर हमें देखना है तो वो जो है मंथ यहाँ नंबर में यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद किस ईयर का हमें उस मंथ का कैलेंडर देखना है तो यहाँ पे ईयर टाइप करनी है। तो 2020 के ईयर का जो है मुझे 3rd यानी कि मार्च के महीने का कैलेंडर शो करना है। तो आइए इसको भी यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे करके देखते हैं। तो यहां पे सिंपली टाइप करेंगे कैल और 03 मार्च के महीने का कैलेंडर मुझे देखना है। तो आप सिंपली 3 भी टाइप कर सकते हैं या फिर 03, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो 3 और 2020 ये मैंने ईयर यहां पे डाल दिया। अब मुझे एंटर प्रेस करनी है। तो ये आ गया 2020 के मार्च महीने का, मार्च जो एक स्पेसिफिक मंथ है, मार्च महीने का पूरा कैलेंडर यहाँ पे आ गया। अब मैं अप्रैल के महीने का कैलेंडर देखना चाहता हूँ। तो CAL CAL 04 2020, तो ये अप्रैल मंथ का कैलेंडर आ गया। तो इसी तरीके से आप 5 जो है टाइप करेंगे कैल कमांड के बाद तो ये मई मंथ का कैलेंडर शो करेगा और ईयर आप 2020 का जो है देखना चाहते हैं तो 2020 टाइप करना है और अगर 1992 का या 1984 का किसी भी ईयर का देखना है तो आप वो ईयर टाइप कर सकते हैं। तो अब इसको चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो है कैल कमांड का दूसरा यूज देखा है। अब देखते हैं कि कैल कमांड का तीसरा यूज क्या है।
तो कैल कमांड का जो थर्ड यूज है वो है टू सी द कैलेंडर ऑफ द स्पेसिफिक ईयर। तो किसी भी ईयर का आप पूरा का पूरा कैलेंडर देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कैल कमांड को टाइप करके इसके बाद ईयर का नाम देना है। तो मुझे 2020 का जो है सारे मंथ का कैलेंडर देखना है, या 1992 का सारे मंथ का कैलेंडर देखना है। तो हम यहाँ पे 2020 या 1992 टाइप कर सकते हैं। चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो मुझे जो है 2020 का सारे मंथ का कैलेंडर देखना है। तो सिंपली कैल कमांड को टाइप करेंगे 2020। तो 2020 का जो है पूरे ईयर का जो है ये कैलेंडर शो करेगा। ये कर दिया इसने इसको, ये आपका यहाँ पे आ गया 2020। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से पूरे 2020 ईयर का इसने कैलेंडर शो कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि 1992 का पूरा कैलेंडर शो कर दे। तो CAL कैल 1992, तो ये आपका 1992 का पूरा कैलेंडर आ गया है। ये आपका आ गया 1992। तो ये था कैल कमांड का थर्ड यूज। इसको क्लियर कर लेते हैं क्लियर कमांड से। अब देखते हैं कि कैल कमांड का नेक्स्ट यूज क्या है। अब जो है मुझे जो कैल कमांड का जो फोर्थ यूज है, इसमें जो है जो करंट मंथ है, करंट मंथ जो है वो अक्टूबर है। तो मैं जो है करंट मंथ के पिछले वाला मंथ यानी कि सितंबर प्लस करंट मंथ यानी कि अक्टूबर, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये करंट मंथ का प्रीवियस मंथ, करंट मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ, इन तीनों का कैलेंडर एक साथ मुझे देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कैल कमांड को टाइप करके हाइफन 3 टाइप करते हैं। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कैल हाइफन 3। तो ये क्या करेगा, अभी जो करंट मंथ है वो है अक्टूबर का मंथ, तो अक्टूबर से प्रीवियस वाला मंथ यानी कि सितंबर प्लस अक्टूबर मंथ प्लस अक्टूबर के बाद वाला नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर मंथ, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ का ये कैलेंडर शो करेगा। तो एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये इसने शो कर दिया, ये अक्टूबर जो है ये आपका करंट मंथ है, और करंट मंथ से प्रीवियस मंथ ये सितंबर है, और करंट मंथ से नेक्स्ट मंथ जो है ये नवंबर है। तो इस तरीके से करंट मंथ का जो है पिछला वाला मंथ और करंट मंथ से अगला वाला मंथ प्लस करंट मंथ, इन तीनों मंथ के कैलेंडर को शो करने के लिए हम टाइप करते हैं कैल और स्पेस के साथ हाइफन 3। तो ये था कैल कमांड का फोर्थ यूज। तो इसको क्लियर कमांड से क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि कैल कमांड का नेक्स्ट यूज क्या है। तो नेक्स्ट यूज जो है वो है फिफ्थ यूज जो है वो है यू कैन प्रिंट द कैलेंडर इन डे नंबर्स विद हाइफन जे ऑप्शन। तो हाइफन जे ऑप्शन जब हम कैल कमांड के साथ यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि जो करंट मंथ है, करंट मंथ जो है वो अक्टूबर का मंथ है, तो अक्टूबर मंथ में जो डे डे का जो नंबर है वो पूरे इयर्स में जितने भी डेज होते हैं उस डेज के हिसाब से काउंट करके शो करेगा। तो इसके लिए जो है सिंपली हमें क्या करना है, यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके कैल कमांड को टाइप करना है और इसके साथ हाइफन जे ऑप्शन को टाइप करके एंटर प्रेस करनी है।
तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है टाइप करनी है कैल हाइफन जे, और ये क्या करेगा, करंट मंथ यानी कि अक्टूबर का जो मंथ है वो करंट मंथ है। तो उस करंट मंथ में जो भी डेज होंगे उन डेज को जो है पूरे इयर्स में डे के काउंटिंग के हिसाब से ये शो करेगा। तो ये जो है यहाँ पे ये अक्टूबर का मंथ है, और 275 का मतलब ये है कि जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के बीच में जो थर्सडे तक जो है वो 275वां दिन होता है। तो इसने यहाँ पे 275, 276, 277, 278, 279, 280 इस तरीके से जो है डेज को जो है नंबर में, डे नंबर्स में इसने शो किया है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, CLEAR। तो इस तरीके से हमने कैल कमांड का जो है पांच तरीके से यूज करके देखा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।